नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी कुंभ राशि के दर्शकों का। जब भगवान आपको कुछ देने वाले होते हैं तो भगवान तय करते हैं कब दूं, और भगवान ने कुछ ऐसे व्रत त्यौहार बनाए हैं जो स्वयं भगवान को बहुत पसंद हैं। भगवान का कहना है मेरे लिए कुछ दिन बहुत खास होते हैं, वो दिन बाकी दिनों से अलग और शुभ होते हैं क्योंकि इन दिनों में ग्रह सितारे बहुत अनुकूल होते हैं और इन दिनों में भगवान इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सा मेरा प्यारा भक्त मुझे खुश करे और दिल से मेरे बहुत सारे वरदान लेकर चला जाए, यानी कि भगवान के दिल को छू लेंगे आप अगर इन दिनों में आपने विधिवत तरीके से इन व्रत और त्योहारों का लाभ उठाया, इन खास मौकों का लाभ उठाया। तो ये खास मौके किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये खास मौके भगवान की रचना है और भगवान की रचना बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही अच्छी होती है। और मुझे तो यकीन है, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो ये यकीन है यह मौके आपके जीवन में अनंत खुशियाँ, अनंत प्रसन्नताएँ और अनंत सफलताएँ लेकर अवश्य आएंगे। भगवान की बनाई हुई चीज पर उंगली उठाना या शक करना मूर्खता होगी, तो आपको विश्वास करना होगा। और यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ये सारे मौके, ये सारे अवसर ईश्वर के द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इन पर प्रयत्न करके भगवान को खुश करके भगवान से वरदान और खुशियां प्राप्त कर सकें। सितंबर का माह बहुत खास होगा कुंभ राशि वालों के लिए, तो सितंबर के मौके में कौन कौन से अवसर आपको प्राप्त होंगे आइए जान लेते हैं। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। आपको पहला मौका या पहला अवसर प्राप्त होगा कब, शुरुआत करते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी घंटी वाले निशान को दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महान बड़ा पर्व है। यह पर्व खुशियों के आने का है, यह पर्व है खुशियों की शुरुआत का। आपको गणेश जी को अपने घर में लाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। 2 तारीख को स्वच्छ होकर, साफ सफाई करके, घर में गंगा जल का छिड़काव करके विधिवत गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें। आप 3, 5, 7, 9 या 11 दिनों के लिए गणपति को घर पर ला सकते हैं। मोदक और पंचमेवा का प्रसाद से भगवान गणेश को भोग लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। धूप दीप से उनकी मंगल गीत गाएं, आरती गाएं। श्रद्धा और विश्वास से जो भी गणेश जी की आराधना करता है और यकीन मानिए उसके जीवन में सफलताओं के मौके एक के बाद एक आते रहते हैं और अच्छे मौके और अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। विघ्नहर्ता गणेश जी को आप सुख और समृद्धि का देवता मानते हैं, प्रथम पूजनीय है और इस देश में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र में कुछ खास तरीके से मनाया जाता है, या मैं कहूँ पूरे देश में खास तरीके से मनाया जाता है। मैं जहाँ जहाँ आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे रास्ते पर बड़ी छोटी दुकानों पर गणेश जी की सुंदर मनमोहक प्रतिमाएं बिकती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर कोई सा भी हो, हर जगह पर गणेश उत्सव की धूमधाम शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि मुंबई में यह उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और मुंबई एक माया नगरी है, वहाँ पे बहुत सब लोग संपन्न हैं, वहाँ पे कितना पैसा है, आर्थिक कैपिटल कहा जाता है भारत की, यानी कि गणेश जी की आराधना वहाँ पर हर वर्ग का छोटे बड़ा इंसान करता है, हर धर्म का इंसान श्रद्धा से गणेश जी के आगे नतमस्तक होता है। तो ये एक भाईचारा भी है, ये एक प्रेम भी है और गणेश जी का आशीर्वाद मुंबई नगरी पर कैसे बरसता है इसके लिए मुझे आपको कहने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने घर गणेश जी को लाएं और फिर देखें आपके घर में कैसे खुशियों की वर्षा होती है। ये मौका अभी आपको मिल रहा है, फिर अगले वर्ष मिलेगा और अभी लाभ उठा लें तो बढ़िया रहेगा, अगले बरस का इंतजार क्यों करना। तो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करें, गणेश जी को घर लाएं और जीवन में खुशियां और सफलता भर भर कर पाएं। आपके लिए दूसरा मौका है महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। 16 दिनों तक लगातार महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है और आपको यह अवसर 6 सितंबर दिन शुक्रवार से मिलेगा। जो भी जातक जातिका इस अवसर का लाभ उठाकर माँ लक्ष्मी को खुश करता है वह धनी, खुशहाल और बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर पूरी पूरी बरसती है और उसके घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पैसों की, मान की, सम्मान की कमी नहीं रहती है, कोई भी बीमार नहीं रहता है, कोई भी परेशान नहीं रहता है, सेहत वगैरह सब कुछ बढ़िया रहती है।
इस अवसर का लाभ उठाकर आप धनी बने, खुशहाल बने और पूरे परिवार को एक नई तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। जो लोग ये व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग धूप दीप से माँ की आराधना प्रतिदिन करें। श्री भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को खुश करने का यह एक बहुत शुभ अवसर है। आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जरूर जप करें और फिर देखें जीवन में क्या खुशहाली आती है। 16 दिनों तक प्रतिदिन एक माला जप करें, व्रत कर सकते हैं, विधिवत व्रत करें और फिर देखें जीवन में किस प्रकार से प्रसन्नता आती है, किस प्रकार से आप लोग खुशियां, हर्ष और उल्लास अपने जीवन में लेकर आते हैं। 6 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होगी। मंत्र मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की एक माला हर बच्चा, हर पुरुष, हर स्त्री करे और फिर देखे इन 16 दिनों में महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। आपके जीवन में राजयोग शुरू हो जाएगा। अद्भुत, बहुत सुंदर मौका है आप सभी लोगों के लिए। बात करते हैं तीसरे शुभ अवसर और शुभ मौके की। आपको तीसरा अवसर प्राप्त होगा 12 सितंबर दिन गुरुवार को। अनंत चतुर्दशी का महाशुभ अवसर है। आज के दिन आप विपत्तियों से मुक्ति पाने वाला दिन कह सकते हैं, यानी कि जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट चल रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाला दिन है आज। आज के दिन जिन्होंने गणेश जी को स्थापित किया होता है वह गणेश जी की विदाई देते हैं। आज एक अद्भुत तारीख है जब भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की कृपा से आप सुखी होंगे, दुखों का नाश करेंगे और सफलता को पाकर बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो आपको तीसरा अवसर 12 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन प्राप्त हो रहा है, जिस दिन आप गणेश जी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये जो मैं आपको मौके और अवसर बता रहा हूँ, इनको लिखने वाला, बनाने वाला मैं या कोई भी इंसान नहीं है, ये ईश्वर ने खुद तय किए हुए हैं और जो चीज़ ईश्वर ने तय की हुई है वो गलत नहीं हो सकती है। उसमें आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। आपको चौथा महान शुभ मौका मिलने वाला है 2 सितंबर दिन शनिवार को। आपको चौथा अवसर प्राप्त होगा काला अष्टमी के रूप में। आज के दिन भगवान भैरव की पूजा की जाती है। भैरव बाबा की कृपा से जादू टोने, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र इन सब से मुक्ति मिलती है, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। आज के दिन भगवान शिव, भगवान भैरव और माँ दुर्गा की उपासना करने से, व्रत करने से, विधिवत करने से जीवन के छोटी सी छोटी तकलीफ भी समाप्त होती है। और आप यकीन मानिए, कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं हमारे जीवन में जिसको ग्रहों के माध्यम से भी समझ पाना मुश्किल होता है। अब किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कोई और क्रिया कर दी जिसको आप समझते समझते बड़ा वक्त लगा देते हैं, उसका इलाज करते करते बड़ा वक्त लगा देते हैं और इलाज हो भी जाता है लेकिन एक लंबा समय लगता है इन सब चीज़ों में। लेकिन कालाष्टमी वाले दिन यदि आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप इन सब चीज़ों के प्रभाव में हैं तो आपको 100% मुक्ति मिलेगी और आप जीवन में इन सब के प्रभावों से मुक्त होकर एक सुंदर और एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन जिन लोगों ने महालक्ष्मी का व्रत शुरू किया था 6 सितंबर को, उनका भी 16वां दिन होगा और आज के दिन आप व्रत की समाप्ति कर सकते हैं विधिवत। और बहुत महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि आज के दिन कालाष्टमी का दिन भी रहेगा और महालक्ष्मी व्रत को पूरा करने का 16वां दिन भी रहेगा। विधिवत आप महालक्ष्मी व्रत का समापन करके महालक्ष्मी से ढेरों खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में राजयोग की शुरुआत निश्चित तौर पर हो जाएगी। बात करते हैं अंतिम और पांचवें अवसर की या मौके की। पांचवा मौका या पांचवा अवसर आपको प्राप्त होगा 28 सितंबर को, जब आप अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें शांति दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां लेकर आएगा। 28 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या है। आज के दिन आप उन सभी प्रियजनों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं विधिवत, उनको शांति दे सकते हैं जो अब आपके बीच में नहीं है, आपकी यादों में है। और आपको अपने पितरों को शांति देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो चाहते हैं कि
आपके द्वारा उनको शांति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो और वो भी ईश्वर के चरणों में जाकर स्थान ग्रहण करें। जब तक पितृ भटकते रहेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है, आपके जीवन में खुशियां प्रसन्नता नहीं आ सकती हैं। तो इस दिन आप अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, विधिवत करें, ब्राह्मण से करवाएं, किसी विशेष जगह जाकर कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में आपके पितरों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद जब वो साथ थे तब भी बना हुआ था, आज वो साथ नहीं है तब भी बना रहेगा और आपको किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा, वो हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन को भी याद रखिएगा। इसको मैं मौका कहूँ या कुछ भी कहूँ, जो भी आप समझना चाहें समझ लें, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आप जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता और खुशी की शुरुआत कर सकते हैं, अपने पितरों को खुश कर कर। जीवन में मनुष्य का रहना और मनुष्य का ना रहना ईश्वर के हाथ की बात है, इसको बदला नहीं जा सकता है अब। लेकिन जो पितरों का श्राद्ध होता है वो करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और इसको भी भूलना नहीं चाहिए। बात करते हैं छठे महाशुभ मौके की, अवसर की। तो 29 सितंबर को नवरात्रि का शुभारंभ होगा और नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा आप पर निश्चित तौर पर बरसेगी। आप लोग माँ दुर्गा की कृपा से अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और माँ दुर्गा बहुत दयालु हैं और दयालु माँ के चरणों में जब आप उनकी मंगल गीत गाएंगे, धूप दीप से उनकी आरती करेंगे, व्रत करेंगे, तो फिर आप कैसे माँ के चरणों के और माँ के आशीर्वाद के पात्र नहीं बनेंगे। माँ तो माँ है, माँ के पैर छू लेने से, माँ को खुश कर लेने से माँ बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देती हैं, वरदान दे देती हैं। तो देवी माँ आपकी खुशियाँ बनाए रखे और आपको नित्य नए आशीर्वाद दे, ये भी आपके लिए एक सुंदर सुनहरा मौका है और आप इसका लाभ उठाएं। नियम पूर्वक माँ की पूजा करें, श्रद्धा और विश्वास से माँ को खुश करें और जीवन में खुशियाँ पाते चले जाएं। तो ये 6 अवसर, 6 मौके मैंने आपको बताए जो आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आ सकते हैं। आप सभी लोग इसका लाभ उठाते हुए जीवन में प्रसन्नता पाए, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और भगवान आपकी वो सभी मनोकामनाएं भी पूरी करें जो आपने अपने लिए सोच रखी हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ये हजारों करोड़ों की दुनिया है, सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की सभी इच्छाएं ईश्वर पूरी करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो जानी जान है, ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं और ईश्वर मुझसे ये बुलवा रहे हैं ताकि मैं आपको ये मौके याद दिलवा करवा सकूँ, याद दिलवा सकूँ आपको। इसमें भी ईश्वर का ही योगदान है। तो ईश्वर को नमस्कार करते हुए हरिओम नमस्कार।